नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाव। मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, कोलकाता से। आप में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को अपने स्मार्टफोन में ही देख रहे होंगे। स्मार्टफोन एंड्रॉयड का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल। कुछ लोग तो यूट्यूब में देख रहे होंगे, यूट्यूब गूगल का टूल। आपको कुछ सर्च करना है तो आप गूगल क्रोम खोलते हैं। आपको किसी को मेल लिखना है तो आप जीमेल में जाके आईडी लगाते हैं। यानी कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा गूगल ही गूगल घूमता है। और अब तो भारत सरकार भी गूगल पे ही चलती है और दुनिया में भी गूगल ही छाया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, ये गूगल के जो सीईओ हैं वो हमारे इंडियन हैं। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, गूगल का सीईओ एक इंडियन है जिसका नाम है सुंदर पिचाई। वो सिर्फ गूगल के ही सीईओ नहीं है। 2015 में ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के सीनियर एडिटर ब्रैड स्टोन ने उनको द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मोबाइल का खिताब दिया था। आज सुनेंगे वो छोटे से सुंदर से गूगल के सीईओ होने की जर्नी। सुंदर पिचाई का जन्म 1972 12 जुलाई को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बचपन तमिलनाडु के मदराई शहर में ही गुजरा था। वो जवाहर विद्यालय में पढ़ते थे। गूगल के मालिक लैरी पेज की ध्यान आकर्षण करने वाले सुंदर पिचाई कभी भी अपने स्कूल में अपने टीचर्स के नोटिस में नहीं आए। उनके स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है, टीचर सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही नोटिस करते हैं जो टीचर्स को इम्प्रेस करते हैं या जो टीचर्स को बहुत परेशान करते हैं। सुंदर पिचाई सिर्फ एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही नहीं थे, वो बहुत शांत प्रकृति के थे, इसलिए टीचर्स के नोटिस में कभी नहीं आते थे। सुंदर पिचाई के पिता रघुनाथ पिचाई को कभी भी सुंदर को पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता था। सुंदर तो स्कूल जाते आते रिक्शे में भी पढ़ते थे। उनकी माँ लक्ष्मी पिचाई ये समझती थी कि कंफर्ट और लग्जरी से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि वो बच्चों को ही अपनी पूंजी समझती थी। और इसलिए गाड़ी तो दूर, कभी उन्होंने अपने घर में एक टीवी सेट भी नहीं लाया था। सुंदर पिचाई बचपन से ही बहुत मैच्योर थे। उसका एक कारण था कि उनके पिता अपने मन की हर बात सुंदर के साथ शेयर करते थे, चाहे वो घर की कोई बात हो, चाहे वो ऑफिस की कोई समस्या हो। और सुंदर पिचाई का और एक बचपन का एक्सपीरियंस तब हुआ जब 12 साल की उम्र में उनके घर एक लैंडलाइन फ़ोन आया। अभी आपके हाथ वाला स्मार्टफोन नहीं, वो डायलिंग वाला फ़ोन जिसको घुमा घुमा के करना पड़ता है। सुंदर पिचाई जब भी जिसको भी जो नंबर डायल करते, उसकी फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनको हमेशा वो नंबर याद रह जाता था। सुंदर पिचाई का इंटेलिजेंस होना उनको लेके आया आईआईटी खड़गपुर के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपको पता है ना, हर एक आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और सुंदर पिचाई के सफलता के पीछे जिस लड़की का हाथ है वो है अंजलि। वो अभी उनकी वाइफ भी है। फर्स्ट ईयर में ही सुंदर पिचाई समझ गए थे कि अंजलि ही उनकी लाइफ पार्टनर बन सकती है। लेकिन बेचारे सुंदर, फाइनल ईयर तक अंजलि को प्रपोज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। लेकिन फाइनल ईयर में जैसे तैसे उन्होंने अंजलि को कह डाला, आई लव यू।
और अंजलि ने भी हंस के उसको स्वीकार किया। आईआईटी खड़गपुर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर के ऊपर एमएससी करने चले गए और इस समय सुंदर पिचाई के पिता ने अपना सारा सेविंग्स उनके फ्लाइट फेयर और मिसलेनियस खर्चे में खर्च कर दिया। उनका मन तो था पीएचडी करने का, लेकिन लास्ट मोमेंट में सुंदर ने अपना मन बदला और एमएससी करते ही वो अप्लाइड मटेरियल कंपनी में एज एन इंजीनियर अपना करियर शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे अंजलि का क्या हुआ। यूएसए जाने के बाद सुंदर पिचाई की अंजलि से बात बहुत कम होती थी, क्योंकि तब तो इतने मेल भी अवेलेबल नहीं थे। याद कीजिए वो 94-95 का जमाना, और इंटरनेशनल कॉल भी बहुत महंगे होते थे। कभी कभाई अंजलि से बात हो जाती थी, लेकिन अप्लाइड मटेरियल कंपनी में नौकरी लगते ही सुंदर पिचाई से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी शादी की बात अंजलि के साथ अपने माँ बाप से कर डाली। और फिर क्या था, अंजलि से उनकी शादी हो गई और वो अंजलि को लेके यूएसए चले गए। इस बीच उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए किया और मैकेंजियन कंपनी में वो कंसल्टेंट की नौकरी शुरू करने लगे। 1 अप्रैल 2004, वो दिन जिस दिन सुंदर पिचाई गूगल की इंटरव्यू देने गए थे, उस दिन जीमेल का फर्स्ट टेस्टिंग था। एक इंटरव्यूअर ने सुंदर पिचाई से जीमेल के ऊपर उनका व्यू मांगा, लेकिन सुंदर को लगा कि आज 1 अप्रैल है और उनके साथ अप्रैल फुल का प्रैंक किया जा रहा है। लेकिन जब एक दूसरे इंटरव्यूअर ने उनको जीमेल दिखाया तो सुंदर पिचाई ने अपने व्यूज इतने क्लैरिटी के साथ पेश किए, बस बात बन गई। सुंदर पिचाई की साथ गूगल का शुरू हो गया। शुरू में सुंदर पिचाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गूगल टूल बार और सर्च बार की। उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स में गूगल बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन हुआ करता था, लेकिन सुंदर पिचाई को लगा कि एक दिन इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल को वहां से हटा देगा और वहां पे अपना एक सर्च इंजन बना के लगा देगा। उन्होंने ये बात तब के सीईओ मिस्टर एरिक को बताई और उन्होंने कहा इसका एक ही सल्यूशन है कि गूगल अपना वेब ब्राउजर बनाए। लेकिन एरिक को ये बात जमी नहीं। उनको लगा सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, फालतू का पंगा क्यों लेना। लेकिन सुंदर पिचाई के इंटेलिजेंस ने और उनके प्रेजेंटेशन ने आखिर एरिक और गूगल के मालिक लैरी पिचाई को समझा ही लिया कि गूगल को वेब ब्राउजर क्यों ज़रूरी है। और एक वेब ब्राउजर बन के तैयार हो गया जिसे आज हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। जो सोचा था सुंदर पिचाई ने वही हुआ। 2006 के 18 अक्टूबर तारीख को इंटरनेट एक्सप्लोरर ने गूगल को बाय डिफॉल्ट हटा दिया और अपना सर्च इंजन बिंग लगा दिया। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल के लिए बहुत सारा ट्रैफिक लेके आता था। शुरुआत में गूगल को धक्का थोड़ा तो लगा, लेकिन सुंदर पिचाई ने 24 घंटे में ही इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक बड़ा फॉल्ट निकाल लिया। और जब भी इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई भी इंसान बिंग में घुसता, वहाँ एक पॉपअप आ जाता कि आप गूगल को सर्च इंजन एज एन डिफॉल्ट अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इस तरह सुंदर पिचाई ने 60% लोगों को अपने साथ दोबारा से जोड़ लिया। गूगल क्रोम के सक्सेस के बाद गूगल को पता लग चुका था कि अब लेट होना ठीक नहीं है। उन्होंने एचपी, डेल जितने भी लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाने वाली कंपनीज थी उनके साथ टाई अप कर लिया कि सर्च बार बाय डिफॉल्ट गूगल का ही होगा। अब सबको समझ आने लगा था सुंदर पिचाई सिर्फ टेक्नोलॉजी में महान नहीं है,
उनकी मैच्योरिटी, उनकी बिजनेस क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है और देखते ही देखते सुंदर पिचाई को वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा दे दिया गया। सुंदर पिचाई ने डिफरेंट गूगल टूल्स के ऊपर काम किया, गूगल गियर के ऊपर काम किया, गूगल बुक्स के ऊपर काम किया और फाइनली 2014 में उनको ऑल प्रोडक्ट्स हेड बना दिया गया, जहां वो लैरी पेज के अंडर डायरेक्टली काम करने लगे। 2014 में सुंदर पिचाई ने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर काम करना शुरू किया। आज जैसे कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में सबसे बड़ी हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है, उसी तरह कोई भी स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गूगल के पास है। और आखिर में 2015 का 10 अगस्त भी आ गया, जब सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बना दिया गया। गूगल का CEO बनने के बाद सुंदर पिचाई के पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट और ट्यूटर ने भी सुंदर पिचाई को ऑफर दिए। लेकिन सुंदर पिचाई ये जान चुके थे कोई भी कंपनी के लिए लॉयल रहना ही सक्सेस का एक बड़ा मूल मंत्र है और वो आज भी गूगल में कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, मदुराई की वो छोटी सी गली से गूगल के CEO की यात्रा इतनी सहज नहीं थी, लेकिन सुंदर पिचाई ने ये करके दिखाया कि अगर मन में कॉन्फिडेंस हो, अगर इच्छा शक्ति हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और आपको पता है, वो कहते हैं, मेरी सफलता का राज है कंटिन्यूअस डेलिब्रेट लर्निंग, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। आज भी वो सुबह उठ के पहले न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, और संग में गर्मा गर्म चाय भी लेते हैं। आखिर इंडियन है ना। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन के बारे में। You know, believe it or not, I still, you know, I read a physical paper every single morning. Which one? I read the Wall Street Journal every morning. I read the New York Times online. I still am very particular about having my tea. It's very English. You know, I grew up in India. So having my tea, and I'm vegetarian, so I need to get my protein. So I always have an omelet in the morning with toast, tea, and read my paper. So I do that every morning. तो दोस्तों, आपने सुना सुबह उठ के सुंदर पिचाई क्या क्या करते हैं? अब तो आपको समझ लग ही गया होगा कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उम्मीद करती हूँ सुंदर पिचाई की ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी होगी। आप जैसे सुंदर पिचाई की बायोग्राफी सुन के मोटिवेटेड हो रहे हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार भी मोटिवेटेड होंगे, इसलिए उनके साथ शेयर कर दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जाते जाते सब्सक्राइब फॉलो भी करते जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल, लव यू ऑल।